अक्षर पटेल का सिक्सर, इंग्लैंड का पहले पारी में टोटल सिलेंडर 112 रन पर ऑल आउट। पिंक बॉल टेस्ट में इंग्लैंड की पहले पारी 112 रनों पर सिमट गई। इंग्लैंड की ओर से पहले पारी में सबसे ज़्यादा रन जैक क्रॉली ने बनाया, जिन्होंने 53 रन बनाया। इनके अलावा कोई भी बैट्समैन 20 से ज़्यादा रन नहीं बना पाया। अक्षर और रवि अश्विन का फिरकी के सामने लड़खड़ाते नजर आए इंग्लैंड का बैट्समैन। अक्षर पटेल को मिला 6 विकेट और अश्विन को मिला 3 विकेट। पिंक बॉल टेस्ट मैच में वाजे क्रिकेट टीम का जीत हुआ लगभग पक्का। आइए दोस्तों, पहले दिन का इंग्लैंड का बैटिंग का जो बुरी तरीके से हाल कर दिया वाजे गेंदबाज ने, मैं अभी आपको डिटेल्स में शेयर करता हूँ। दोस्तों, नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज पिंक बॉल टेस्ट मैच खेला जा रहा है। डे नाइट का ये मैच में इंग्लैंड टीम का कप्तान जो रूट शॉट बैटिंग करने का सिद्धांत लिया। इंग्लैंड टीम का शुरुआत बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि डॉम सिबली और जॉनी वेयरस्टो ने बिना कोई रन बनाते हुए आउट हो गए। फिर जैक क्रॉली और जो रूट के बीच में एक अच्छे साझेदारी हुआ। इनके अलावा इस इनिंग्स में कोई भी बैट्समैन के बीच में साझेदारी नहीं हुआ। दोस्तों, रवि अश्विन और अक्षर पटेल का धुआंधार बॉलिंग के सामने लड़खड़ाते हुए नजर आए हर एक इंग्लैंड का बैट्समैन। बता दूं दोस्तों, कोई भी बैट्समैन को कप्तान विराट कोहली अच्छे कप्तानी करके सेट होने ही नहीं दिया। कप्तान विराट कोहली का लाजवाब डीआरएफ का निर्णय और बाकी फील्डर का बहुत ही सुंदर प्रदर्शन के चलते टीम यूनिटी दिखाते हुए भारतीय टीम इंग्लैंड टीम को 112 रनों पर रोक दिया, जहां पे अक्षर पटेल को 6 सफलता हासिल हुए। ये अक्षर पटेल के लिए सबसे बड़े उपलब्धि है। इनके अलावा रवि अश्विन को भी 3 सफलता हासिल हुए। सबसे बड़ी सफलता जो रूट के रूप में रवि अश्विन को मिला। कोई भी बैट्समैन के ना होने देने पर इंग्लैंड टीम का कोई भी बड़े रन इस इनिंग्स में निकलते हुए नहीं देखा गया है, जिसके आधार पर भारतीय क्रिकेट टीम का पहले ये टेस्ट मैच में जीत लगभग पक्का हो गए है। दोस्तों, आप भी भारतीय क्रिकेट टीम का सबसे पसंदीदा क्रिकेटर के ऊपर अपना राय जाहिर करिए। कमेंट करके बताइए ये टेस्ट मैच कितने दिन तक चलेगा, ज़रूर कमेंट करिएगा।